तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मॉडेम को, और जानते हैं कि हमारा पहला कनेक्टिविटी डिवाइस है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ये किस प्रकार वर्क करता है, इसमें कितने प्रकार की प्रोसेसिंग होती है, और ये हमारे लिए किस प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये सारे पॉइंट हम मॉडेम में सीखने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से स्क्रीन को देखिए और मॉडेम के बारे में जानिए। चलिए, मॉडेम सबसे पहले बात आती है कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो हमारा मॉडेम शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मो प्लस डेम। किससे मिलकर बना होता है, मो प्लस डेम अर्थात मो डेम। तो मॉडेम को हमने दो टुकड़े कर दिए, दो भाग कर दिए, एक एमओ अलग कर दिया, बचा डीईएम डेम, वो अलग कर दिया। तो यहाँ से मॉडेम का फुल फॉर्म निकल के आता है, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलेटर एंड डिमोडुलेटर। ध्यान रखना यहाँ पर आपको फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डिमोडुलेशन भी ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन जब तक आपको ऑप्शन में दिया है मॉड्यूलेटर एंड डिमोडुलेटर, तब तक आपको क्या टिक करना है, मॉड्यूलेटर एंड डिमोडुलेटर। तो मॉडेम किन दो शब्दों से मिलकर बना है, मो प्लस डेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डिमोडुलेटर। इज दैट क्लियर। चलिए, विच अलाउ ए कंप्यूटर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर ए टेलीफोन लाइन टू एनोदर कंप्यूटर। जो हमारा मॉडेम होता है वो अलाउ करता है कंप्यूटर सिस्टम से किसी भी इंफॉर्मेशन को टेलीफोन लाइन पर और टेलीफोन लाइन से एनोदर कंप्यूटर पर ट्रांसमिट करने का काम करता है। चलिए आपको मैं इसको इजीली समझा देता हूँ। ये हमारा एक कंप्यूटर हो गया, ये हमारा दूसरा कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और ये हमारा मॉडेम हो गया, और जो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, ये हमारा मॉडेम की टावर लाइन हो गई। तो ये क्या काम कर रहा है मॉडेम, जो हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल्स होते हैं उनको किसमें सेंड कर रहा है, टेलीफोन लाइन पर भेज रहा है, और टेलीफोन लाइन से किसमें जा रहा है, दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है। इसी प्रकार आ किससे रहा है, दूसरे कंप्यूटर से आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा मॉडेम होता है वो किसके बीच में कनेक्ट होता है, कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में कनेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका, मॉडेम का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो आपको बताना है कि मॉडेम का यूज टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा मॉडेम होता है वह कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब एक पॉइंट आपको यहाँ से ये बनता है कि जो मॉडेम होता है वो किसके बीच में कनेक्ट होता है, तो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में कनेक्ट होता है। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये घुमा के आपसे अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर और मॉडेम से किससे कनेक्ट होती है, तो टेलीफोन लाइन बताना बताना है। मीन्स आपको 1, 2, 3, इन ये तीन पॉइंट है, इनमें से आपको दो पॉइंट दिए होंगे और तीसरा पॉइंट वो पूछेगा। तो जो पॉइंट नहीं दिया हो उसी पॉइंट को आपको टिक करना है। जैसे कंप्यूटर मॉडेम की बात आती है तो टेलीफोन टिक करना है, कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन की बात आती है तो मॉडेम टिक करना है, और मॉडेम और टेलीफोन की बात आती है तो क्या टिक करेंगे आप, कंप्यूटर। यहाँ तक क्लियर है आपके। चलिए, यहाँ तक आपका क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। द मॉडेम ट्रांसलेट बिटवीन द डिजिटल सिग्नल दैट द कंप्यूटर यूजर्स एंड एनालॉग सिग्नल सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस व्हेन ट्रांसमिटिंग।
द मॉडेम मॉड्यूलेटर द डिजिटल। इस पॉइंट को आप समझे हैं कि जो हमारा मॉडेम होता है वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये मैंने अभी दो पॉइंट बताए आपको, ये दोनों पॉइंट आपके समझ में आ गए कि इसका यूज क्या होता है मॉडेम का, कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं और एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में ट्रांसमिट होते हैं या जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, वे सभी सिग्नल कौन से कहलाते हैं, डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। तो डिजिटल सिग्नल जो किसी डिवाइस के अंदर स्टोर होते हैं वो सिग्नल कौन से होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं। और जो सिग्नल हमारे टेलीफोन लाइन में ट्रांसमिट होते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं, एनालॉग होते हैं। तो हमारा ये हमारा कंप्यूटर हो गया और कंप्यूटर में कौन से हो गए हमारे, डिजिटल हो गए। और ये हमारी टेलीफोन लाइन हो गई और टेलीफोन लाइन में कौन से हो गए हमारे, एनालॉग हो गए। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी टेलीफोन लाइन में कौन से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं तो एनालॉग होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आपके कंप्यूटर में कौन से सिग्नल होते हैं तो डिजिटल सिग्नल होते हैं। क्लियर? तो यही काम करता है कि जो हमारे कंप्यूटर होता है वो केवल डिजिटल सिग्नल समझता है, एनालॉग समझ में नहीं आते। तो वो क्या काम करता है, एनालॉग सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, फिर कंप्यूटर को समझ में आ जाते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर द्वारा उनको एनालॉग सिग्नल पर भेजता है, टेलीफोन लाइन पर भेजता है, तो टेलीफोन लाइन को डिजिटल समझ में नहीं आते हैं। तो वो क्या काम करता है, द्वारा से मॉडेम उन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है जिससे उसके समझ में आ जाते हैं और ट्रांसमिट हो जाती है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हमारा जो मॉडेम होता है वो एक कन्वर्टर के रूप में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जैसे इंग्लिश आती है, किसी दूसरे व्यक्ति को चाइनीज आती है, अब आपको उससे बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो आप क्या काम करते हो, ट्रांसलेटर का यूज करते हो। जब आप बोलते हो तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जो ट्रांसलेटर लगा रहता है, वो चाइनीज में कन्वर्ट कर देता है आपकी लैंग्वेज को। जब चाइनीज बोलता है तो आपके समझ में नहीं आ सकती, तो ट्रांसलेटर चाइनीज लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जिससे आप उसकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेटर काम करता है। यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएं आप। चलिए आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, इसी के बारे में थोड़ा बहुत और जानते हैं। वैसे मोस्ट हमारे जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, इतने से हमारा काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट और हैं उनको भी देख लेते हैं जो नॉर्मल पॉइंट हैं। तो ये पॉइंट तो हम समझ चुके हैं कि जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उन्हें किस तरीके से डेटा को ट्रांसफ़र वगैरह किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती हमारी, द ऑपरेटिंग स्पीड मॉडेम इज अप टू 9600 बॉड, मतलब 9600 बॉड। जो हमारी इसकी स्पीड होती है वो हमारी इसकी स्पीड किस में मापी जाएगी, बॉड में, और कितनी होती है,
छियानवे सौ इसकी स्पीड होती है। स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन में एक बहुत ही स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन होती है, उसमें हम इसकी स्पीड इतनी मैक्सिमम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं होती है। ये सूटेबल कम्युनिकेशन प्रोग्राम इज नीडेड ऑपरेट द मॉडेम, एंड मॉडेम कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। जो हमारा मॉडेम होता है उसके टू टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल मॉडेम होता है और दूसरा हमारा एक्सटर्नल मॉडेम होता है। क्लियर? जो हमारा इंटरनल मॉडेम होता है वो कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट होता है, जो एक्सटर्नल मॉडेम होता है उसे हम अपने घर में कहीं भी लगवा सकते हैं, आप कहीं भी उसे सेट करवा सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल मॉडेम होता है वो आपका कंप्यूटर का सीपीयू बॉक्स होता है ना, उसके अंदर लगा होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल मॉडेम। लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो एक्सटर्नल मॉडेम यूज़ किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनफैक्ट मॉडेम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, अर्थात जो हमारा मॉडेम होता है उससे जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है उस प्रकार से भी इसको क्लासिफाइड में दो प्रकार से किया गया है, एक सिंक्रोनाइज होता है दूसरा असिंक्रोनाइज होता है। और ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से कल बताए थे, आपको बताना है इसमें दोनों पॉइंटों में से सीरियल कम्युनिकेशन किस में हो रहा था, जिसमें डाटा को बिट बाई बिट एक एक से सेंड किया जा रहा था। जल्दी से बताएं आप कमेंट करके, क्योंकि आज की हमारी मीटिंग फिनिश होने वाली है। जल्दी से बताएं, तो हमारा जो सिंक्रोनाइज था उसमें क्या हो रहा था, बिट बाई बिट अर्थात एक सीक्वेंस ऑर्डर में डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा था, जिसमें एक एक से बिट जा रही थी। और दूसरा हमारा था असिंक्रोनाइज मॉडेम। असिंक्रोनाइज मॉडेम किस प्रकार का ट्रांसमिशन हो रहा था, पैरेलल कम्युनिकेशन हो रहा था, अर्थात इसमें हमारा डाटा का जो ट्रांसमिशन हो रहा था वो किस तरीके का हो रहा था, पैरेलल हो रहा था। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा मॉडेम कंप्लीट होता है। अगर आपको मॉडेम से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि हमारा एक कनेक्टिविटी डिवाइस फिनिश हो चुका है और सेकंड स्टार्ट करने वाले हम रिपीटर। तो जल्दी से आप कोई क्वेश्चन अगर मॉडेम से रिलेटेड पूछना हो तो बताएं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है तो रिपीटर क्या होता है। ए रिपीटर इज नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, मीन्स रिपीटर एक नेटवर्किंग कंपोनेंट्स होता है, डिवाइस होता है, टूल्स होता है दैट एक्सटेंड ए नेटवर्क। जब हम कोई नेटवर्क एक्सटेंड करते हैं, उसका विस्तार करते हैं बाय बूस्टिंग द सिग्नल्स, वो वहाँ पर उन सिग्नल्स को बूस्टिंग करने का काम करता है, सो दैट इट कैन ट्रेवल फर्दर एलोंग द केबलिंग। जो हमारी दूसरी केबलें होती हैं या केबल्स में डेटा सिग्नल्स को हमेशा बूस्टिंग करके ही ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो जब भी एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है वहाँ पर सिग्नल्स कमज़ोर होते हैं, और कमज़ोर होते हैं तो वहाँ पर फिर बफरिंग जैसी प्रॉब्लम होने लगती है या डेटा फेल्ड होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं किसको, रिपीटर को, जो डेटा सिग्नल्स को बूस्ट करता है। डिजिटल सिग्नल्स ट्रेवलिंग ऑन केबल्स बीकन विद डिस्टेंस, जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं वो केबल में ट्रेवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, घूमते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, तो बीक हो जाते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस में। तो ए फिनोमिनन नोन एज एटेंशुअल, ए रिपीटर इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल एम्पलीफायर दैट वर्क्स एट द फिजिकल लेयर ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल फॉर नेटवर्किंग टू रिजनरेट एम्पलीफाई द सिग्नल
सो दैट इट कैन ट्रेवल फर्दर। अर्थात हमारे एक OSI मॉडल होते हैं, ये आपको मैं आगे समझाऊंगा कि ये OSI मॉडल क्या होते हैं। एक नेटवर्किंग का बहुत बड़ा टॉपिक है OSI मॉडल, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो जो हमारा रिपीटर होता है वह OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है। अर्थात हमारे OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं टोटल, जिसमें फर्स्ट लेयर होती है हमारी फिजिकल लेयर, और जो हमारा रिपीटर होता है वो हमारी फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर पर काम करता है। तो वहाँ पर वह क्या काम करता है, जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं उन्हें एम्पलीफायर करता है। एम्पलीफायर का मीन्स होता है उन डेटा सिग्नल्स को दोबारा से रिफ्रेश करता है, दोबारा से रिसेंड करने का काम करता है। क्लियर? तो ये OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है, फर्स्ट लेयर पे काम करता है। इसमें टोटल कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है। ठीक है, चलिए। रिपीटर ऑल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन सच एज फिल्टरिंग आउट नॉइज कॉज्ड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस EMI, जिसे हम बोलते हैं, रेस्पिंग द सिग्नल्स एंड करेक्टिंग टाइमिंग टू रिमूव सिग्नल्स जिटर सो दैट द सिग्नल कैन ट्रेवल फर्दर। अर्थात हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस होती है EMI होती है, उसमें जो हमारी नॉइज़ होती है डाटा की, या डाटा को फिल्टरिंग जैसे काम हमारे रिपीटर के द्वारा किए जाते हैं, और उसमें डेटा सिग्नल्स को ट्रेवलिंग के दौरान कवरिंग भी करता है। अर्थात उन्हें फिल्टर करके सही तरीके से भेजता भी है। तो हमारे रिपीटर के क्या क्या काम हो गए, सबसे पहले डेटा सिग्नल्स को बूस्ट करना होता है, दूसरा हमारा होता है ये OSI मॉडल में काम करता है, तीसरा हमारा पॉइंट हो गया OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है, फर्स्ट लेयर पे काम करता है, और नेक्स्ट पॉइंट हो गया ये डेटा सिग्नल्स को फिल्टरिंग भी करता है, नॉइज़ भी कम करता है, और नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMI में जो नॉइज़ या फिल्टर जैसे फंक्शनलिटी होती है उनके लिए भी ये काम करता है। क्लियर? तो ये सारे हमारे रिपीटर से रिलेटेड कार्य हो गए। तो आज के हमारे दो टॉपिक हो गए, मॉडेम हो गया, रिपीटर हो गया। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा हब की। हब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग में इसी का यूज किया जाता है। जब भी आपको कोई टोपोलॉजी बनानी होती है तो आप कौन से डिवाइस का यूज़ करेंगे, हब का यूज़ करेंगे। जब भी आपको किसी नेटवर्किंग डिवाइस में एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करने होते हैं तो वहाँ पर हब का यूज़ होता है। इसके बारे में हम कल डिटेल में जानेंगे। क्लियर? तो आज हमारे दो टॉपिक हो गए, एक मॉडेम हो गया, दूसरा रिपीटर हो गया। चलिए, अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं।